भाई बर्फी भाई कोई मारो, बर्फी भाई ने इतना प्रॉब्लम खड़े कर दिए। भाई मैं पुलिस हूं, मेरे पास लाइसेंस है गन की। अरे तो तू ऐसे बंदों के ऊपर से चढ़ा रहा असल। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहे हो आप, ये बंदे को क्या हो गया? काजू गेमिंग। और यहाँ पे देखो भाई, मैंने चोर पकड़ लिया यहाँ पे। एक आंटी का पर्स चोरी कर रहा था यार। ओए वो देखो बर्फी भाई आप ऊपर क्या कर रहे हो भाई? आप नल रिपेयर कर रहे हो क्या? तुझे क्या नल रिपेयर करने वाला लग रहा हो क्या? यहाँ पे देखो पुलिस हूँ यार, पुलिस। ओ भाई ये क्या बैज मिला यार आपको? आपका तो यूनिफॉर्म बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल है भाई, जल्दी इसको लेके चलो थाने में, मेरे थाने सामने ही है। ओए भाई पुलिस स्टेशन लेके चलते। इसने एक आंटी का पर्स चोरी कर लिया था बर्फी भाई, और मैंने बचा लिया वो आंटी को। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखो मेरा हाथ छुपा है, कितना बड़ा है ना पुलिस स्टेशन। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, ये बर्फी भाई का पुलिस स्टेशन है, और ये काफी बड़ा है। उनका फर्स्ट फ्लोर भी बन चुका है, और उनके पास एक बड़ी कार भी है। ओ बाप रे, ये देखो गाइस, बर्फी भाई का तो पुलिस सेल फुल है पूरा। मेरा पुलिस भाग गया, चोर भाग गया भाई, मेरा चोर भाग गया, बर्फी भाई का चोर भाग गया। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वो चोर था, पर वो भाग गया। और अभी बर्फी भाई को मेरे को ना बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं लग रही बर्फी भाई आपके पुलिस स्टेशन में। अरे यार रख दो, आप विश्वास रखो मेरे ऊपर। अरे देखो बर्फी भाई, अभी मुझे लगता है हम लोग अपना खुद का भी गाइस पुलिस स्टेशन ढूंढते और बनाते हैं, खुद का पूरा अच्छे से बनाते, ताकि ऐसे चोर भाग ना जाए। और बर्फी भाई आप भी सिक्योरिटी करवा लो अपने पुलिस स्टेशन में। बर्फी भाई ये देखो, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। अरे जो कहाँ पे पुलिस स्टेशन, कुछ दिख रहा नहीं ऐसी। अरे अभी बनाऊंगी बर्फी भाई, कंस्ट्रक्ट करूंगी। देख रहे हो ना ये सिस्टम तो मैंने बना ली है, मतलब बहुत अच्छे से अंदर बाहर जा सकते हैं हम लोग। भाई तुम्हारे अंदर तो पुलिस भी काम कर रहा है अभी से ही। और ये देखो भाई, मतलब ये सब कुछ मेरा काम करने के लिए ऑफिसर पहले से ही है। और यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट फ्लोर का वॉल बना लूंगी। देख रहे हो ना दोस्तों, ये पूरा पुलिस स्टेशन पूरा तैयार हो चुका है। इतने फास्ट था मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस बंदे के लिए पुलिस सेल बना लेंगे। और यहाँ पे बैठ जा भाई, तू तो बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहा था। कानून के हाथ से कोई नहीं बच सकता बच्चे। हाँ भाई, और अभी मेरे को बंदे बनाने पड़ेंगे अपने खुद के। और यहाँ पे हम लोगों ने देखो ट्रूपर्स वूपर्स ले लेंगे, क्योंकि ये सारे लोग हमारे तरफ से काम करेंगे। और ये मेरे पुलिस स्टेशन के एम्प्लॉयज है। अरे भाई वो कहाँ जा रहा है? ये अभी सब बाहर जाएंगे और क्रिमिनल्स को पकड़ के लाएंगे बर्फी भाई। एंड गाइस अभी के लिए ना हम लोग अपग्रेड करते हैं हमारा पुलिस ऑफिस, क्योंकि ना क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास एरिया काफी कम होते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सारा फ्रंट लॉबी वगैरह अपग्रेड करते हैं। और यहाँ पे देखो ये बैक लॉबी डोर अपग्रेड कर लेंगे, और यहाँ पे फ्रंट डेस्क कंप्यूटर्स अपग्रेड कर लेंगे। ये देखो भाई हम लोग यहाँ पे एक हॉलवे डेकोरेशंस कर लेते हैं अपग्रेड। ओए काजू भाई ये बंदा कौन है, मेरा काम ही नहीं कर रहा है। ओए ये बंदा गाइस, ये बंदा ना हमारे लोगों के लिए, जैसे जो भी पुलिस कंप्लेंट वगैरह फाइल करेगा ना वो यहाँ पे आके कर सकता है। मतलब अच्छे लोग भी आते हैं ना पुलिस स्टेशन में, इसीलिए वो बंदा रखा है हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या अपडेट कर रहे हो यार? और यहाँ पे भी देखो भाई, इतने ज्यादा लॉकअप्स बना रहे हैं ना हम लोग, कि कितने भी बनाए फिर लोग कितने भी हो जाए, चोर कितने भी हो जाए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देख रहे हो ना बर्फी भाई, ये क्या है? हमारे पास है इंटरोगेशन डेस्क। इसके ऊपर मतलब यहाँ पे ना बंदा बैठेगा और हम लोग पूछेंगे, कल रात तू कहाँ था, कहाँ पे चोरी की थी तूने? भाई थप्पड़ मारेंगे ना जोर जोर से तो सब कुछ बता देते लोग। और यहाँ पे हम लोग राइट शेल्फ भी गाइस अपग्रेड करेंगे, और एक लाइट अपग्रेड कर ली है बहुत ही जबरदस्त वाली। और ये देखो गाइस हम लोगों ने एलिवेटर कर लिया है, जिसके वजह से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोगों को ये वाला फ्लोर ही अपग्रेड करना है। वो कौन लड़की है? ये लड़की मुझे लगता है ये हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती रहती है गाइस, कि कहीं पे चोरी हो रही है या फिर कहीं पे गैंग आ गई है या माफिया वगैरह आ चुके हैं, तो फिर हम लोगों को जल्दी से जाना पड़ता है, क्योंकि एज अ पुलिस ऑफिसर हम लोगों को सिटी की सेफ्टी देखनी पड़ती है। और यहाँ पे देखो ये छोटा वाला ऑफिस बन जाएगा, और यहाँ पे ऑफिस मैनेजर डेस्क बन जाएगा, वर्किंग स्टेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है बर्फी भाई? रोबलॉक्स खेलेंगे? नहीं बर्फी भाई ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे रिसर्च होगा कि कौन से सिटी में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, या कहाँ पे कोई चोर भागा तो नहीं जा रहा है। देखो काजू भाई का नाम लिखा है अंदर, यहाँ पे बर्फी भाई को पकड़ना है मेरे को तो लगता है, काजू भाई नहीं। और यहाँ पे देखो भाई बड़े बड़े जेरोक्स मशीन रखे हैं, जिसके वजह से हम लोग कॉपियां निकाल पाएंगे बड़े बड़े। मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ गाइस, ये है गन रूम, और यहाँ पे आर्मर्स वगैरह सब कुछ मिलता है, जहाँ पे हमारे सारे गन्स वंस रखे जाएंगे। और ये देखो ये आर्मर लाइट्स आ चुकी है, और गन रैक्स है जिस... अरे काजू पे हम लोग का गन्स देखने कहाँ पे? ओ हाँ गाइस मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखो भाई यहाँ पे हम लोगों का गन्स के डिस्प्ले है, तो हम लोग वो ले रहे। ये देख रहे हो ना, ये है AK-47, और यहाँ पे आर्मर की चेयर भी है और सेकेंडरी डिस्प्ले। और यहाँ पे हम लोग ई दबा के, अरे कहाँ जा रही हो? अरे और
लोग ई दबा के ये हम लोगों ने नई गन अनलॉक कर ली और ये स्वॉट वाली गन देख रहे हो ना, इससे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, चोर तो भाई चकना चूर हो जाएंगे सारे। यहाँ पे चला के दिखाओ, यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो भाई क्या मजेदार गन है। हाँ भाई आप तो पुलिस स्टेशन में गन चला रहे हो, वाह 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 भाई हमारा पुलिस स्टेशन है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। और गाइस यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सिडान स्पॉनर है, हम लोग इसको भी ले लेते हैं जाके हम लोगों को पुलिस की वैन मिल जाए। और ये देखो क्या मिला है गाइस, और ये हम लोग इसके अंदर बैठ लेंगे, दिखाती हूँ मैं चला के कि कितनी मजेदार राइड हो सकती है ये। ओह माय गॉड, काजी भाई इससे चोर पकड़ सकते हो क्या? मतलब भाई बहुत पूरे पूरे तहलका मच जाएगा पूरे सिटी में, क्योंकि हम लोग चोर पकड़ेंगे और इस पुलिस वैन में भर भर के लाएंगे सारे जगह से। चलो बर्फी भाई ये देखो लेवल 3 के आ रहे, यहाँ पे बाइकर्स आ रहे, चलो अरेस्ट करने निकलते इनको। ओह माय गॉड काजी भाई उनको छोड़ो, हम लोग रेस लगाते, चलो बर्फी भाई आप पुलिस हो या कौन हो? ओह माय गॉड उसको पकड़ो फिर जल्दी चलो। और यहाँ पे देखो भाई हम लोग बाइकर को मार रहे हैं सीधा, कोई टेंशन नहीं है। ओए बाइकर क्या कर रहे हैं, काजू को छोड़ दे, हम लोग का खास क्रिमिनल है वो तो। ओए माय गॉड सॉरी, पुलिस है। भाई हम लोगों ने सरेंडर कर लिया इस बंदे ने, भाई कैसे बाइक चला रहा था, सब लोग बहुत ही टेंशन, कितने डाले उसने, उठा लो जल्दी से पैसे, सारे टेंशन। भाई मेरे को नहीं मिलने वाले ये बर्फी भाई, ये पैसे सारे जाएंगे पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट को चले जाएंगे सारे पैसे। काजू भाई गवर्नमेंट में खुद ही मुझे मिलेंगे पैसे। अच्छा बेटा तुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे हम लोगों ने सेल में डाल दिया बाइकर वाले बंदे को। अरे बर्फी भाई क्या कर रहे हो आप, सिटी में किसको मार रहे हो, ये क्या है बंदा आपके चक्के के नीचे? अरे काजू भाई वो छोड़ो यार, ये देखो मेरा क्रिमिनल मेरे बाहर जा रहा है काज के। भाई बर्फी भाई कोई मारो, बर्फी भाई ने इतना प्रॉब्लम खड़े कर दिए। पुलिस मेरे पास लाइसेंस है गन की। अरे तो तू ऐसे बंदों के ऊपर से चढ़ा रहा है सेल। Sorry. अरे क्या कर रहे हो आप, ये बंदे को क्या हो गया? गाइस यहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग करके देखते हैं यार, कोई तो ये सिटी में प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रहा है। यहाँ पे क्या बर्फी भाई आप पुलिस ऑफिसर हो के ये कानून का उल्लंघन कर रहे हो? अरे काजू भाई आपको पता है कि मैंने ये गाड़ी से एक चोर को कुचल दिया था, इसलिए मैं एक सबूत खत्म कर रहा हूँ। बर्फी भाई ऐसे कुछ नहीं कर सकते आपकी, चलो हम लोगों को एक खातिरदारी करनी पड़ेगी, चलो आप पुलिस स्टेशन चलो पहले, सबसे पहले तो काजू भाई आप मुझे पकड़ रहे, मैं खुद कानून हूँ भाई, रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, आपने भी गलत काम कर लिया है। चलो जल्दी बर्फी भाई ऐसे नहीं कर सकते आप। और ये देखो भाई हम लोगों पे चल रहे, भाई तू कोई टेंशन मत ले, तेरे को तो देखती हूँ, चलो जल्दी पकड़ के दिखाओ। ओए बर्फी भाई मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, हम लोगों को, हम लोगों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, आप जल्दी नीचे आओ, खत्म कर दो यार मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे बात कैसे कर सकते हो आप, एक पुलिस ऑफिसर को आप रिश्वत दे रहे हो भाई, अभी तो तेरी खैर नहीं। और दोस्तों अभी हम लोगों के पास काफी मोटा पैसा आ चुका है, तो इसीलिए हम लोग ना यहाँ पे सेकंड फ्लोर बाय करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 15K भर के भाई, बहुत ज्यादा कुछ भर के हम लोग मैक्सिमम सिक्योरिटी अलॉट कर रहे हैं। और ये मिल गया हम लोगों को बर्फी भाई जैसा पुलिस का पूरा स्वॉट, भाई ये यूनिफॉर्म देख रहे हो ना क्या तगड़ा लग रहा है अपने ऊपर। भाई साहब आपके पास भी आप लेवल अप कर लिया, मतलब कि भाई हम लोग ने भी लेवल अप कर लिया, और यहाँ पे हम लोग ने एलिवेटर भी लगा लिया, और ये शेल्फिंग वगैरह करते दोस्तों यहाँ पे देखो हम लोगों ने सेल्स ले लिए, और हम लोग अंदर जाके इसके बेड्स भी अपग्रेड कर लिया, भाई इसको टॉयलेट भी दे दिए बंदों ने, और हम लोग बाहर टॉयलेट नहीं देगा तो क्या भाई हर एक बंदे को अलग अलग टॉयलेट, कोई अलग ही बात हो गई ना। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया, हम लोग लेजर भी अब लोग यहाँ पे हम लोग ग्रेड कर लेंगे, और ये बेंचेस वगैरह पे लोग बैठ सकते हैं। पर काजू भाई आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की एलईडी लाइटिंग थी सब जगह। यस गाइस ये गेमिंग रूम जैसा लग रहा है मेरे को, और ये हम लोगों ने ऑफिस बांध लिया पूरा वाला, और यहाँ पे देखो हम लोग सुपरवाइजर का वॉल बांध लेंगे, और ये अंदर का अलग रूम बन गया। और यहाँ पे तो नॉर्मल स्मॉल स्मॉल डेकोरेशन है, जो ट्रैश वगैरह जो की लगने वाला है तो ये तो ठीक है। और ये मेन वर्क स्टेशन होगा गाइस, यहाँ पे देखो भाई बड़े बड़े कंप्यूटर से, जिसके वजह से मतलब बड़ा रिसर्च हो सकता है। यहाँ पे हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने चेयर्स अपग्रेड कर ली है, और यहाँ पे प्रिंटर अपग्रेड कर लिया, और ये क्या है सुपरवाइजर डेस्क। ओ भाई साहब ये कौन है, और ये घोड़ा अपना सुपरवाइजर है यार, और उसके पास चार चार कॉफी है। और ये देखो भाई हमारे सिटी का मेन पुलिस डिपार्टमेंट में घोड़ा अपन ने रखा है। भाई साहब घोड़ा घोड़ा बेच के सो रहा है यार ये तो, भाई ये तो सो ही गया, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है वो पूरा सो गया है। ये सेल देख रहे हैं ना, नीचे के सेल से बहुत बड़ा वाला सेल है, और बहुत हाईटेक सेल है, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़े वाले गुंडे हम लोग रखेंगे, जो लोग मतलब ऐसे कभी भी भाग के जा सकते हैं ना, उन लोग सब लोगों को यहाँ पे रखेंगे। और भाई साहब हम लोगों को यहाँ पे भी गन रैक मिल गई, और ये देखो AK-47 मिल चुकी है, और ये हम लोग ग्रैब करके लेके जाएंगे, देखते हैं यार इसकी पावर कैसे, टेस्ट करके देखते। ओए काजू के
भाई रेजिस्ट कर रहा है कुछ नहीं, सिर्फ भागे जा रहा है। तकले पे मारो, हेडशॉट मारो उसको। हेडशॉट भाई, हेडशॉट मारूंगी। ओ भाई कितना डेंजर था, जीरो लेवल का था, पर भाई बहुत पसीने छूटे छूट गए मेरे को इसको निकालते निकालते। अभी सब पंगा नहीं लेगा बोल रहा है। देख रहे हो ना भाई, इसने जीरो लेवल का बोलते बोलते इतना ज्यादा पैसा कमा लिया था। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे AK-47 लेके भी एक क्रिमिनल को पकड़ लिया है, और हम लोग ऐसे ही कम करते रहेंगे तो हमारा पुलिस स्टेशन हर टाइम फुल ही रहेगा और सिटी बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगी। तो अगर आपको भी हमारा पुलिस स्टेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।